सर्विस है राज क्लब निंदोरा के पास और सर्विस करेंगे राज क्लब निंदोरा के कैप्टन कमर खान, स्वर्गीय फौलाद खान, स्वर्गीय शमसुद्दीन सलमानी। एक दिवसीय डे नाइट वॉलीबॉल का ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला सगीर इलेक्ट्रॉनिक और राज क्लब निंदोरा के बीच। जबरदस्त प्रहार, कोई जवाब नहीं इस प्रहार का राज क्लब निंदोरा के पास। तो खाता खुलता हुआ 25 अंकों का टेनिस बेस्ट ऑफ थ्री के द्वारा ये खेला जा रहा है दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। और फाइनल मुकाबला टेनिस होगा ये फिक्स, अभी कमेटी ने कुछ तय नहीं किया है, ये टाइम के हिसाब से तय किया जाएगा। और ये वॉलीबॉल के प्रति जुनून है कमर भाई का कि पैर में चोट लगने के बावजूद भी वो मुसलसल खेल रहे हैं और अपनी टीम को जीत भी दिलवा रहे हैं। सगीर इलेक्ट्रॉनिक दो और अभी भी खाता खुलना बाकी राज क्लब, और ये खाता खुल गया। सर्विस राज क्लब निंदोरा की जानिब से एक और दो और इस बार शहद का कड़ा प्रहार, कोई जवाब नहीं राज क्लब निंदोरा के पास। तीन और एक, और इस बार चूके पहत एक अंक का इजाफा होता हुआ राज क्लब निंदोरा दो और सगीर इलेक्ट्रॉनिक तीन। जैद भाई तक अगर आवाज पहुंच रही है तो वो कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। जैद भाई टेरा डिगरा चार और दो, अब आपको देखा हाल सुनाएंगे जैद भाई। शॉट के काउंटर आया है, पॉइंट लिया है अपनी टीम के लिए, पीस है वहां बेहतरीन शॉट। पांच और तीन दो पॉइंट की महत्वपूर्ण भाग इस टूर्नामेंट का ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला होगा। जो भी टीम जीतेगी फाइनल में प्रवेश करेगी और ये फाउल करा दिए गए पॉइंट मिल जाएगा राज क्लब निंदोरा चार और पांच। मुकाबला है ये दो टीमों के दरमियान में। हेलो अच्छा कौन ये टूर्नामेंट स्वर्गीय फौलाद खान की याद में कराया जा रहा है, जिनके बेटे हमारे बीच आसिफ खान साहब मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो मंच पे आए, हमारे कमेटी के सदस्य उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं। आबिद अली भाई और आवेश भाई, आमिर भाई, आप लोग आकर हमारे आसिफ भाई को सम्मानित करिए। आमिर भाई अंगवस्त्र भेंट कर उन्हें सम्मानित करिए, क्योंकि हमारे आसिफ भाई ने बहुत बड़ा सहयोग किया है हमारे टूर्नामेंट में। स्पाइकर बाराबंकी की फाइनल में ऑलरेडी प्रवेश कर चुकी है। नाइन को कंटिन्यू बिल्कुल है क्या पहले जबरदस्त मुकाब रही है।
बहुत ही शानदार बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन। मुजम्मिल भाई जहां भी हो ओमान खान से मिलने आकर, मुजम्मिल भाई जहां भी हो आप फौरन ओमान खान से मिलने, शाहिद के चचा है वो, फौरन आकर मिलने शाहिद के चचा। मुकाबला है ये 11 और 10 है, 10 है, ठीक है ठीक है, 10 और 6 चार बोर्ड की महत्वपूर्ण बात है। सर्विस अमन के द्वारा यहां पर सुबह को अच्छा डिफेंस वहां धीरज शर्मा का, अमन है कोशिश नहीं पास पहुंच नहीं पाए, जान दिया पॉइंट दिया है जरवल को 11-6। मुजम्मिल मंच के पास, मुजम्मिल अच्छा जहां भी हो मंच के पास आ जाए। एक तरफा मुकाबला अगर जिन्हें देखा जाए स्कोर बोर्ड बड़ा कर रहा है 12-6 महत्वपूर्ण बात। राज कलब नींदूरा एक पॉइंट हासिल किया है 7 और 12 7-12 सर्विस अहमद है बेहतरीन डिफेंस क्या कहने, और इससे बाहर नहीं मिले अमन बेहतरीन ड्रॉप कोशिश किए जबरदस्त कटोज है। अब रहे कितना हो बहुत पॉइंट इधर बनता है महल गंदी जो रोटी में जीत हुई भाई अहमद बेहतरीन स्कोर ले गए हैं, चेकआउट कराया है अपनी टीम के लिए अहमद है 13 और 7 13-7 भाई। जो लोग हमारे बहुत ही मेहमान खुसूसी आ रहे हैं विधायक जी, आप लोग मंच खाली कर दें, आप लोग मंच खाली कर दें, विधायक जी आ रहे हैं हमारे रास्ते में है जी। बहरा 14 और 7 14-7 और इस बार फंसे प्रिंस बेहतरीन ब्लॉक यहां दूसरे बार को क्रिप किया कोशिश मगर कामयाबी नहीं मिली, पॉइंट मिल जाएगा 8 और 14 14 बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन, चांद भाई की पूरी टीम को मुबारकबाद है इस गरवल कस्बा के ओमान खान दानिश फैज खान चांद भाई जितने लोग हैं इस टूर्नामेंट में बहुत ही मेहनत की है, वाकई में बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन, शानदार टीमें सेमीफाइनल होता हुआ शाहिद हासिम आमिर खान ये सब लोगों ने जितनी मेहनत की है वो कामयाब हो गई है, एक कामयाब टूर्नामेंट है ये। और ये राइट बॉल का इशारा है पॉइंट का और इजाफा राज कलब नींदूरा 10-15 10-15 शादाब पहलवान बहुत ही बेहतरीन, शादाब पहलवान हमारे बहुत ही अच्छे इंसान, इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत मेहनत की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया शादाब भाई जिंदाबाद भाई क्या कहने, आप लोगों की मेहनत से ये एक आलीशान टूर्नामेंट का आयोजन हुआ इस जरवल कस्बा में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तारीखी टूर्नामेंट ये हो गया है बेहतरीन टूर्नामेंट। और अच्छी सर्विस थी इस तरह सर्विस अच्छा डिफेंस अच्छी सप्लाई बट अंपायर डिसीजन फेवर आउट यस 1 पॉइंट अगेन जरवल 18 and 10 18-10
और ब्लॉक को चीरती हुई गेंद, शुक्रिया। देखना है ये मुकाबला है, ये सेकंड सेमीफाइनल अमर है वहां, मगर अंपायर का इशारा आता है राज क्लब के फेवर में, एक पॉइंट मिल जाएगा, बढ़ोतरी हुई 11-18। और ये देखिए हवाई हमला, ये वॉलीबॉल में इसकी कोई कीमत नहीं, कोई महत्व नहीं, बेकार ये पॉइंट दे गई गेंद, ये बॉल बट आउट। 1-2 अगेन जर्वल 19-12। और फिर से बॉल जद्दोजहद, देखना है मेहनत करती हुई दोनों टीमें, एक पॉइंट, एक पॉइंट के लिए संघर्ष करती हुई, अहमद है वहां करोड़ा पढ़ा, जबरदस्त तहदीर इसमें अहमद द्वारा, पॉइंट हासिल किया है अहमद ने। हो गया मुकाबला है ये, दोनों टीमें खेलती हैं, बस है मुकाबला। शॉट ब्यूटीफुल है और फहद को अबू दावर ने ₹500 का इनाम दिया है इस ब्लॉक के लिए, अबू दावर ने ₹500 का इनाम दिया है अबू दावर ने फहद को। ये देखिए क्यों ना हो, आप इनाम के हकदार हैं, ऐसा आपने बेहतरीन खेल खेला, अपनी टीम को बेहतरीन पॉइंट दिलाए हैं, इसलिए ये टीम आपकी सेमीफाइनल खेल रही है। डिसीजन आउट बॉल 1-2 अगेन राज क्लब मुंदूरा 14-22 14-22। अच्छा शॉट पहाड़ चेकआउट कराया है, जबरदस्त पढ़ा, छोटी बॉल डॉज, वॉलीबॉल की दुनिया में डॉज कही जाती है। 23-14 एक तरफा मुकाबला है। इस तरह से 24 लास्ट पॉइंट, पहली मंजिल पहुंचने के लिए एक कदम दूर, पूरी तरह से अभी भी इससे बाकी है फाइनल में प्रवेश करने के लिए, खिताब जीतने के लिए दोनों टीमें तैयार रहे। इस टीम इन दोनों टीमों